हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज हम करने वाले हैं वेव के आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं। कैसे करोगे, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो तुमसे होता है। अगर नहीं होता है तो फिर देखो कहाँ गलती कर रहे थे। चलो, कहता है ट्रांसवर्सल वेव रिप्रेजेंटेड बाई, ये एक जनरल इक्वेशन है। ये देखो, जब कोई वेव चलती है तो उसमें यार डिस्टरबेंस होता है, बहुत सारे पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं और एनर्जी प्रोपोगेट होती है। जैसे मान लो मैंने एक वेव बनाया, ये इसमें यार बहुत सारे पार्टिकल अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं, ट्रांसवर्सल वेव है, और एनर्जी इधर प्रोपोगेट हो रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, बराबर है। तो यहाँ पर दो दो वेलोसिटी हो गई यार, एक तो एनर्जी वेव की वेलोसिटी हो गई और एक पार्टिकल का मोशन हो गया। तो दो वेलोसिटी है, तो यहाँ पूछ क्या रहा है, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ द वेव लेंथ। हमें लैम्डा निकालना मेरे भाई, लैम्डा क्या चीज है, वेलोसिटी इक्वल टू किसकी वेलोसिटी भैया, वेव वेलोसिटी। वेव मतलब एनर्जी जो प्रोपोगेट हो रही है उसकी वेलोसिटी, इक्वल टू मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी कैसे निकालोगे, तो वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये क्या भैया, ये किसका इक्वेशन है, ये इसमें तीन वेरिएबल है, देखना y डिस्प्लेसमेंट है, x भी डिस्प्लेसमेंट है, t क्या है, टाइम है। तो तीन वेरिएबल एक साथ रिलेट है इस इक्वेशन में, और ये जो इक्वेशन है कंप्लीटली एक वेव का इक्वेशन है, बराबर है। अब किसी पार्टिकल के बारे में सोचोगे तो ये पार्टिकल, उस पार्टिकल का t टाइम पे x वाले पार्टिकल का t टाइम पे y कोऑर्डिनेट कितना है, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर से सुनो इसको, x वाले पार्टिकल का, यहां पर p नाम का पार्टिकल है जिसका x वाले पार्टिकल का t टाइम पे y कोऑर्डिनेट कितना है, वो ये किसी पार्टिकल के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, बराबर है। चलो, तो वेव वेलोसिटी निकालते हैं सबसे पहले, और फिर पार्टिकल की वेलोसिटी निकालना। अब ये एक्स वाले पार्टिकल का टी टाइम पे वाई कोऑर्डिनेट है, ये इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दूंगा तो पी पार्टिकल का क्या आ जाएगा, किसी पर्टिकुलर पार्टिकल का टी टाइम पे स्पीड आ जाएगा। तो वेव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं वो पहले सीखते हैं, फिर पार्टिकल इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर कंडीशन रिलेट कर देंगे। चलो, तो सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ, शॉर्टकट ट्रिक, और वो आप हमेशा याद रखना, बहुत आसानी से, मतलब दुआएं देगो मुझे, मतलब मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूँ आपको, इस ट्रिक को सीख लो, फटाक से किक से अच्छे से तुरंत निकाल लोगे क्या, वेव वेलोसिटी। जब कभी भी ऐसा कोई इक्वेशन दिया हुआ तो वेव वेलोसिटी निकालने का आसान तरीका, कोफिशियंट ऑफ टी डिवाइडेड बाई कोफिशियंट ऑफ एक्स। कोफिशियंट ऑफ टी कितना बोलो, यहां पे टी का कोफिशियंट ओमेगा है, एक्स का कोफिशियंट माइनस के है। तो जब ये माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ, अगर देखो ये जो इस ट्रिक से जब भी निकालोगे तो अगर ये माइनस आएगा तो वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाएगी, अगर ये प्लस आया तो वेव निगेटिव एक्स एक्सिस में इधर जाएगी, बराबर है, वेव इधर जाएगी, क्लियर है, ये हमें याद रखना है। चलो, अभी निगेटिव आया, निगेटिव साइन इंडिकेट कर दो, वो पल्स की डायरेक्शन बता रहा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में पल्स जा रही है, ये आपका आ गया स्पीड। तो पहले तो वेव की वेलोसिटी हमें पता चल गई। अगर आपको ये नहीं आता तो आप कैसे निकालोगे, आप ट्रेडिशनल मेथड से निकालोगे, सेकेंड मेथड है जो सब लोग जानते हैं, बराबर है। चलो, तो यहां से अब देखो, के की वैल्यू लिख सकते हो, के की वैल्यू कितनी होती है बोलो, 2 पाई लैम्डा। देखो, इसके लिए फार्मूला याद करना पड़ेगा, तो 2 पाई फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई फ्रीक्वेंसी लैम्डा, यहां से 2 पाई फ्रीक्वेंसी ओमेगा आ जाएगा, ये स्पीड आ जाएगा, तो यहाँ पे स्पीड इज इक्वल टू ओमेगा अपान के आ जाएगा। दिस इज द वेव वेलोसिटी बाय द ट्रेडिशनल मेथड, ये बहुत इफेक्टिव है यार। चलो, अब निकालते हैं पार्टिकल वेलोसिटी। पार्टिकल वेलोसिटी एक बार इसको डिफरेंशिएट कर दे तो हमें आ जाएगा पार्टिकल की वेलोसिटी। तो डी वाई अपॉन डी टी, दैट इज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। एक बार इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ए साइन का डिफरेंशिएशन आ जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ध्यान देना अंदर वाला ये वाला फंक्शन है ओमेगा टी के एक्स, ये भी
टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। तो ये तो माइनस के एक्स माइनस के एक्स का डिफरेंशिएशन जीरो चले जाएगा, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट है, और ओमेगा टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ओमेगा बनेगा। तो फाइनली ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अब जो कंडीशन दोनों की वेलोसिटी निकल गई, पार्टिकल की वेलोसिटी निकल गई, वेव की वेलोसिटी निकल गई, अब जो कंडीशन दिया हुआ उसको लगाओ। ये कहता है लैम्डा निकालना है वेव वेलोसिटी इक्वल टू मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। तो पार्टिकल की जो वेलोसिटी हम निकालनी है वो मैक्सिमम भी हमें निकालना पड़ेगा। पार्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम तब होगा जब कॉस की वैल्यू मैक्सिमम होगी। कॉस की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? पूरी वैल्यू वन होगी। तो ए ओमेगा पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी है। ये पार्टिकल की इक्वेशन है, ये पार्टिकल की वेलोसिटी है, ये पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी है, वेव की वेलोसिटी है। अब इन दोनों को रिलेट कर दो, किसको किसको। जैसा कह रहा है कि पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी वेव की वेलोसिटी के इक्वल है, मतलब ए ओमेगा किसके बराबर है यार? ओमेगा अपान के। तो ओमेगा ने ओमेगा को, तो हम लोगों को जो मिल गया के की वैल्यू डाल दो, के इज इक्वल टू टू पाई लैम्डा आ जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी टू पाई मल्टीप्लाइड बाय ए। दिस इज द फाइनल वेवलेंथ फॉर विच द कंडीशन इज सेटिस्फाई, टू पाई मल्टीप्लाइड बाय ए, दैट इज सी ऑप्शन सही है। तो इस तरह से आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे।